स्वागत है आप सबका आज के इस आयोजन में। अब हम मंच पे तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे करदयाल सिंह जी का। माननीय सीएम साहब अब आपको ट्रॉफी देंगे, तालियां। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। ये अवार्ड मिलने पर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरी जिंदगी की कामयाबी, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम किस बात की खुशी मना रहे हो जनाब? अपनी जीत की या अपनी हार की? अपनी जीत की। 25 साल रंगमंच को देने के लिए मिनिस्टर साहब मुझे खुद सम्मानित करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर 25 साल रंगमंच को देकर तुझे मिला क्या, और आज वहां जाकर तुम हासिल क्या करोगे? एक ट्रॉफी, कुछ मेडल्स और बहुत सारी तालियां। बस ट्रॉफीज, मेडल्स और तालियां खरीदी नहीं जाती, इन्हें कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, तब जाकर नसीब होती हैं ये तालियां। अरे तालियों से पेट नहीं भरता मेरे भाई। अपने 25 साल के अतीत में झांक कर देख, तूने क्या खोया और क्या पाया? इज्जत, मान सम्मान, सुकून, संतुष्टि, ये सब पाया है मैंने। जिंदगी और रंगमंच में कभी रिटेक्स नहीं होते। रंगमंच ने मुझे एक पहचान दी है, मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। अगर आज लोग मुझे जानते हैं तो वो सिर्फ रंगमंच की वजह से। रंगमंच ने तुझे एक बेहतर इंसान तो बना दिया, पर तू एक बेहतर पति ना बन सका, एक बेहतर पिता ना बन सका। क्यों तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली गई, और क्यों आज तेरे बच्चे तेरे साथ नहीं रहते? तेरा पेट तो मान सम्मान से भर जाता होगा, पर कभी अपने परिवार के बारे में सोचा? कभी अपने बच्चों को समय दिया? जब तू रोज उठकर इन ट्रॉफीज को साफ करता है, कभी सोचा इनको कमाने के चक्कर में तेरी जिंदगी के कितने साल साफ हो गए? ऐसा नहीं कि बुराइयां थी या है मुझ में, शायद वो मेरी अच्छाइयों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर आज जहां भी मैं जाता हूं तो लोग मेरी इज्जत करते हैं। इज्जत? कल जब आटे का डिब्बा खाली हो जाएगा ना, तो इस इज्जत को पानी में घोलकर पी लेना, और फिर शायद तुझे नींद भी बहुत अच्छी आ जाए। जरा सोच मेरे भाई, रंगमंच ने तुझे सब कुछ दिया, मान सम्मान इज्जत, पर पैसा? पैसा तो नहीं दिया ना। पेट रोटी से भरता है मेरे भाई, रोटी से, और ये दुनिया सिर्फ पैसे से चलती है, पैसे से। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं, हमारा काम लोगों को अच्छी सोच देना है। हम अपने नाटकों के जरिए लोगों को सही दिशा देना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट के जरिए। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें पैसा मिलता है या नहीं। फिर भी हम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। हाँ, आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहता तो क्या हुआ? जो भी लोग अपने देश के लिए या अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अक्सर अकेले रह जाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गांधी जी, अन्ना हजारे, ये सब अपना जीवन किसके लिए कुर्बान कर गए? अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए,
पैसा तो वो भी बहुत कमा सकते थे। ऋषि मुनि सालों साल तपस्या करते हैं, किसके लिए? अपने समाज के लिए। रंगमंच भी एक तपस्या है दोस्त। हम नाटक वाले लोग हैं जो सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं। हमारा परिवार हमारा देश है, हमारा समाज है, और हम उसी के लिए जीते हैं। मुझे गर्व है तुम पर। अरे मैं तुम्हारा मनी तो हूं, हम एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? पर मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था। कहीं तुम मेरी बातों से बदल तो नहीं जाओगे? नहीं। अक्सर हम जिस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उसी समाज से हमें यह सब सुनना पड़ता है। बट आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे विश्वास है तुम पे। मुझे विश्वास है कि तुम आगे भी अपना काम बड़ी शिद्दत से करते रहोगे। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई। थैंक यू। हम तालियों के साथ सम्मानित करते हैं।